subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश टीचर चैनल। सो आज अब बात करेंगे पोस्ट कलोनियलिज्म के बारे में। ठीक है, पोस्ट कलोनियलिज्म थी क्या, ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, किस तरह स्टार्ट हुई, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एज़ वेल एज़ मैं पहले कॉलोनियलिज्म, ठीक है, आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उस वो किस तरह जो है इन्वेंट की गई, और उस तमाम हिस्ट्री में या उस कॉलोनियलिज्म में या उस एरा में हुआ क्या था। एज़ वेल एज़ फिर उसके बाद हमें जानना पड़ेगा कि किस तरह इम्पीरियलिज्म आई। ठीक है, कॉलोनियलिज्म की ही एक फॉर्म है इम्पीरियलिज्म, यानी कि दोनों एक जैसी है, वो फिज़िकल कंट्रोल था, ये मेंटल कंट्रोल था। ठीक है, अब फिर इम्पीरियलिज्म किस तरह आई, उसने किस तरह जो है लोगों की जो नॉन यूरोपियन थे उसकी नेटिव्स की इकोनॉमी को तबाह किया, वेल्थ को तबाह किया, मेंटल कंट्रोल किस तरह वाइट पीपल ने या यूरोपियन से हासिल किया, ये हम डिस्कस हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज़ डीकोलोनाइजेशन, इम्पीरियल कॉलोनाइजेशन आ गई, इम्पीरियलिज्म आ गई, फिर कॉलोनियलिज्म का खात्मा किस तरह हुआ। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया कि किस तरह यूरोपियंस जो थे उनके हाथों से सारे इकतदार, इकोनॉमी तो खैर अभी भी है, और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो थी हमारी वो उनके हाथों से निकल गई, फिर नेटिव्स उनके जो है मतलब शिकंजे से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। तो इस तरह की तरह कुछ कैसे हुआ वो मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं डीकोलोनाइजेशन तो आ गई, अब जब कॉलोनीज ख़त्म हो गई, डीकोलोनाइज जो सारी कॉलोनीज हो गई, ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, अब उसके बाद फिर क्या हुआ। आफ्टर कॉलोनियलिज्म, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, कॉलोनियलिज्म कॉलोनियलिज्म कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन का जो बाद का एरा था वो किस तरह का था, हम ये आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा कि जो यूरोपियंस पावर थी वो जो रूल्स थे वो ख़त्म हो चुके थे, रीजन्स एशियन से, अफ्रीकन से, साउथ अमेरिकन से, इन मिड ऑफ 20th century वो सारे आज़ाद हो गए थे एक्सप्लोइटेशन से, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन से, कल्चरल डोमिनेशन से, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट थी उससे, तो वो डीकोलोनाइजेशन में ही आज़ाद हो गए थे। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों से इकोनॉमिकली भी उनको जो है वो फ्रीडम मिल चुका था, उनको नेटिव्स को, नॉन यूरोपियंस को, ब्लैक पीपल्स को, एशियंस को, अफ्रीकन को, साउथ अमेरिकन्स को। ठीक है, ये सारी वो जो है वो आज़ाद हो गए थे, फ्री मतलब फ्री हैंड हो गए थे, अब हर चीज़ में उनको इक्तदार हासिल था। ड्यूरिंग द हाफ ऑफ 19th century उनको पॉलिटिकल जो है वो इक्तदार मिल गया था, पॉलिटिकली वो फ्री हैंड हो गए थे। अब फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, 20th century में जो नेटिव्स थे उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी अपने हकूक़ के लिए भी, कि हमें जॉब्स दी जाएँ, हमें हमारी इकोनॉमी जो है उसको जो है वो हर्ट ना किया जाए, सप्रेस ना किया जाए, तो उनको वो भी इख्तियारात मिल गए। फिर उसके बाद 20th century में, मिड ऑफ 20th century में उनको तमाम की तमाम इख्तियारात मिल गए, लाइक इकोनॉमिकली, कल्चरली, ट्रेडिशनली, पॉलिटिकली और एजुकेशनली भी वो सब के सब फ्री हो गए। और इसी को आफ्टर कॉलोनाइजेशन की जो टर्म है, कॉलोनाइजेशन के बाद वाला एरा इज़ कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल एरा और पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिटी एक्चुअली रेफर करती है उस मटेरियलिस्टिक लाइफ को, हिस्टोरिकल लाइफ को, एक्चुअल लिविंग कंडीशंस जो थी उन एशियंस की, अमेरिकन्स की, या साउथ अमेरिकन्स की, या जो ब्लैक पीपल्स थे या जो नेटिव थे उनकी स्टेट्स जो थी वो अब फ्री हो गई थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी, वो खुद अपने सारे इख्तियार अपने मुल्क में आज़ादाना माहौल रखते थे, एज़ वेल एज़ वो फ्री थे हर चीज़ करने के लिए। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान फ्री हो गया 1947 में, इंडिया फ्री हो गया, तो वो अब उनके पास तमाम के तमाम फ्री हैंड्स थे कि अब वो सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आ जा सकते हैं मंदिर, मस्जिद, टेंपल, व्हाटएवर, हर जगह जो है वो जा सकते थे। इसी इंडिपेंडेंसी को पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहा जाता है या तो डीकोलोनाइजेशन कहा जाता है। पोस्ट कॉलोनियलिटी के इम्पेक्ट्स क्या थे, ग्लोबलाइजेशन, जियोपॉलिटिक्स या
ओवर ऑल द वर्ल्ड में क्या हुआ था कि इकोनॉमिक जो थी वो शिफ्ट हो गई थी फ्रॉम नेटिव्स, फ्रॉम रूलर्स टू नेटिव्स, फ्रॉम यूरोपियंस टू नॉन यूरोपियंस, फ्रॉम ब्रिटेन टू अमेरिका टू अफ्रीका और एनी अदर ब्लैक नेशन. अब इस चीज़ का जो पॉजिटिव इम्पेक्ट ये पड़ा, जो एशियंस, अफ्रीकन्स या साउथ अमेरिकन्स थे या ब्लैक पीपल्स थे, वो भी जॉब कर सकते थे, वो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए एक दूसरे के ममालिक में आ जा सकते थे. इवन कि उनके जो वीज़ा रूल थे ना, उनको थर्ड वर्ल्ड कंसिडर कर दिया गया था. अब थर्ड वर्ल्ड के लिए भी वीज़ा रूल आ गए थे इन द लाइट ऑफ 9/11. 9/11 के वाक़े में हुआ था, 9/11 का वाक़ा भी मैं अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उसको भी जाके देख लीजिएगा अगर नहीं पता. तो खैर फिर क्या हुआ था कि उसकी वजह से ये हुआ था कि आप जो अमेरिकन, साउथ अमेरिकन या अफ्रीकन जो भी लोग थे, जो फ्री हैंड हो चुके थे, अब वो इजीली एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ जा सकते थे, ठीक है, अपने वीज़ा के थ्रू. इस 9/11 के वाक़े ने सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है असरानंदाज किया, बाकी तमाम जो अफ्रीकन हैं, अमेरिकन हैं, इन सबको असरानंदाज नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, जैसे ईरान, अफगानिस्तान, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं उन पे जो है बैन लग गया था कि वो जो दाढ़ी वाला है या शलवार कमीज़ वाला है, सुरमा पहनने वाला है, टोपी रखने वाला है, वो जो है वो आ जा नहीं सकता. लेकिन 9/11 में ऐसे हुआ था कि 20th सेंचुरी में तमाम के तमाम जो ब्लैक पीपल्स, एशियंस थे, वो फ्रीली माइग्रेट कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते थे अपने वीज़ा के थ्रू, ठीक है. उनके लिए भी अब जो है वो इक्वालिटी आ गई. पोस्ट कॉलोनियलिज्म का मतलब यही नहीं है सिर्फ कि आप कॉलोनियलिज्म का एरा ख़त्म हो गया है, अब उसके बाद की जो सिचुएशंस हैं. एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियलिज्म का ये मतलब है कि कॉलोनाइजेशन के बाद का एरा किस तरह का था. अब उसमें भी कॉलोनियलिज्म मौजूद थी. किस तरह? अब इंडिया जो है वो आज तक रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहा है, एशिया उसकी, यूरोपियंस की, उसके कल्चर को उसने किया हुआ है. इवन कि उनकी जो आबादी है उसमें से हाफ पीपल्स ऐसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं कि उनको हिंदी इतनी नहीं आती जितनी इंग्लिश आती है. तो ये किस चीज़ का असर है कि वो अडॉप्ट कर चुके हैं उनके कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर को. बट पोस्ट कॉलोनियलिटी जो है वो एक प्रैक्टिस है तलाश करने की कि किस तरह हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म जो है वो थी, किस तरह उस एरा की हिस्ट्री थी, किस तरह उन्होंने कौन कौन से काम सरंजाम दिए, उस चीज़ में क्या क्या जुल्म हुए या क्या कैसी वायलेंस फैली, और उसको इस एरा से जब हम कंपैरिजन दोनों का करते हैं तो इट्स मीन कि इसमें लेस वो सारी वायलेंस है, इसमें डोमिनेंसी इतनी नहीं है, इसमें सब्जुगेशन इतनी नहीं है, इसमें फ्रीडम है. मतलब फ्रीडम है बट उस हिसाब से नहीं है कि आप टोटली फ्री हैं, नहीं, बट फ्रीडम है. तो जब हम इन दोनों को रिसेंबल करते हैं दूसरे के साथ, तो इस वजह से हम इस एरा को पोस्ट कॉलोनियलिज्म का नाम देते हैं, पोस्ट कॉलोनियलिटी का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें उस कॉलोनाइजेशन के मुकाबले में थोड़ी बहुत कम, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत कम इसमें भी है. इसमें इतनी वायलेंस नहीं है, उसमें ज़्यादा वायलेंस थी, इसमें सब इतनी सब्जुकेशन नहीं है उसमें थी, इसमें क्या है इतनी डोमिनेंसी नहीं है उसमें थी. तो उस हिसाब से कंपेयर उनको रिलेट जब हम करते हैं तो उस हिस्ट्री को हम कॉलोनाइजेशन का, कि कॉलोनीजाई बनाई, डिस्ट्रॉय किया, वायलेंस क्रिएट की. अब इस एरा का क्या हो गया कि इस एरा में थोड़ा कम वो रेजिस्टेंस हो गया, थोड़ी कम वायलेंस हो गई, तो इस वजह से इसको पोस्ट कॉलोनियलिटी या पोस्ट कॉलोनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि अब ये एरा जो है वो उस कॉलोनाइजेशन से बाद का एरा है. लेकिन स्टिल इस एरा में भी कॉलोनाइजेशन मौजूद है. किस तरह? इम्पीरियलिज्म मौजूद है. इम्पीरियलिज्म भी कॉलोनाइजेशन ही है, कॉलोनियलिज्म ही है. वो हमारे माइंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी बॉडी फ्री है बट हमारा मेंटल जो लेवल है अभी तक उसी कंट्रोल में है जैसे पहले कंट्रोल में था. तो इसलिए अब भी जो है कॉलोनाइजेशन, इम्पीरियलिज्म बाकी है. पोस्ट कॉलोनियलिज्म सिर्फ ये है कि आप अपनी फ्रीडम, अपना कल्चर, अपना इकोनॉमिक कंट्रोल या अपना ट्रेडिशन या अपना पॉलिटिकल कंट्रोल वो सिक्योर कर लें फ्रॉम यूरोपियंस.
ठीक है, नॉन यूरोपियंस अपना ये सारा कुछ सिक्योर करें, अपना ये सारा कुछ बचाएं, ताकि दोबारा जो है वो आके आप पे कब्ज़ा ना कर लें और आप अपनी सब्जुकेशन जो आप फ्री हैं, फिजिकली फ्री हैं, उसको आप फ्री ही रखें और उसको सिक्योर कर लें। तो ये चीज़ पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहलाती है। इसमें क्या हुआ था, आपका ट्रेडिशन रिवाइव हो गया था, आ रिवाइवल ऑफ योर लिटरेचर, रिवाइवल ऑफ योर कल्चर, रिवाइवल ऑफ योर ईच एंड एवरीथिंग, बट नॉट इकोनॉमिक, बट नॉट पॉलिटिक्स। अब वो सारी चीज़ें अभी भी उनके कंट्रोल में हैं। आप ये लिटरेचर का रिवाइव हो गया है, बट वो लिटरेचर भी आज क्या है, मिक्सअप हुआ हुआ है उनके लिटरेचर में, उनके ट्रेडिशन में, उनके कल्चर में। तो डैट्स वाई ये एरा कहलाता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के। एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियलिज्म उसको कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म में, कॉलोनियलिज्म ने कौन कौन से असरात अब भी छोड़े हैं। अब जब उन असरात की हिस्ट्री हम देख चेक करते हैं, तो हम उन असरात के नेम को, उस असरात की हिस्ट्री को पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री बोलते हैं। पोस्ट कॉलोनियल को जो है ना वो कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इस तरह जो है कॉलोनाइजेशन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, बट कॉलोनाइजेशन आज भी इधर मौजूद है हमारे कंट्रीज़ में। हम मेंटली तौर पर अगर कॉलोनाइजेशन आप कहते हैं का नहीं मौजूद, तो आप इंपीरियलिज्म देख लें, चेक कर लें कि इंपीरियलिज्म जो है वो आज भी हमारे माइंड्स में, हमारी लैंग्वेज में, हमारे कल्चर में, हमारे उठने बैठने चलने फिरने, वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, हर तरह की चीज़ में इंपीरियलिज्म आज भी मौजूद है। अब हमारे कंट्रीज पे भी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, हम भी मॉडर्न हो गए हैं। डैट्स वाई क्या हो गया है कि अब जो वेस्टर्न डेवलपमेंट है वो इन बातों को ईजी नहीं लेती कि अब वो ईजिली हम पे कब्ज़ा कर सकते हैं, सब्जुकेशन शो करवा सकते हैं फिज़िकली, फोर्सफुली, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिस पे वो कर ही नहीं सकते, ठीक है, कब्ज़ा। जैसे कि इंडिया, इंडिया इस कदर मॉडर्न हो चुका है, इंडिया में अभी हैं बहुत बैकवर्ड से इलाके, लेकिन उसमें मॉडर्निटी इस कदर है कि वो उनके वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न डेवलपमेंट से हर कदम कदम से आगा हैं। हर स्टेप उनको पता है इंडिया वालों को कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, वो टोटली उनको फॉलो करते हैं, और वो फॉलो करने के बाद वो क्या करते हैं, खुद भी वैसे हो रहे हैं, इसलिए उनको मुश्किल हो रहा है कि उन चीज़ों पर कब्ज़ा करना, क्योंकि जितनी साइंस वो लड़ाते हैं, जितने साइंटिस्ट वो हैं, पॉलिटिक्स वो हैं, उस तरह की ही सोच उनको देख देख के इंडिया वाले रख रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पर कब्ज़ा करना आसान नहीं है। इस चीज़ को भी जो है इन चीज़ों की उनको अवेयरनेस है, डैट्स वाई वो क्या करते हैं, वो अब इन बारे में सोचते नहीं हैं इतना, अब सिर्फ वो मेंटली फिजिकली बस इकोनॉमिकली उसको हर्ट करने, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। क्या चीज़ है सिटीजनशिप, द स्टेट ऑफ सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स और इक्वलिटी, ये तमाम के तमाम रूल्स किसने, लॉज किसने आयात किए हैं, ये सारे के सारे यूरोपियंस ने। अब अगर वही हम पे ह्यूमिलेट करना शुरू कर देंगे, हमें सप्रेस करना शुरू कर देंगे, ह्यूमन राइट्स को दबाना शुरू कर देंगे, तो वो तमाम के तमाम रूल्स उन पे भी लागू होंगे, इस वजह से भी वो थोड़ा हमसे दूर रहते हैं, ठीक है, उनको इन सब चीज़ों की अवेयरनेस है, उनको देख देख के हमें भी आई हुई है कि हाँ भाई ऐसी गलती है तो इसका ये लॉ है, ऐसा अगर करेंगे तो इसका ये लॉ है, तो इस तरह की अवेयरनेस उन्होंने क्रिएट की है। डैट्स वाई वो फिज़िकली अब तक वो हमें हर्ट नहीं कर सकते, सप्रेस नहीं कर सकते, फिज़िकली वायलेंस क्रिएट नहीं कर सकते। अब जो दीपश चक्रवर्ती जो हैं वो कहती है कि एक सिंपल जो इंसान है ना, अगर वो जानता है रूल्स को, यूरोपियंस के 19th सेंचुरी में किए गए तमाम रूल्स को, ठीक है, उन सब को, उन लॉज को जानता है, क्योंकि उन्होंने इन्वेंट करवाए हैं, जानता है ना, तो कभी ये हमाकत नहीं कर सकता कि वो आके इस मॉडर्न सोसाइटी में या मॉडर्निटी वाली दुनिया में आके किसी को हर्ट कर सके, या किसी के रूल छीन सके, या वायलेंस क्रिएट कर सके। तो एक्चुअली मेन बात ये है कि वो हिस्ट्री, वो बैकग्राउंड जो कॉलोनियलिज्म में था, उन तमाम चीज़ों के इम्पैक्ट स्टिल टुडे आज तक की दुनिया में जो हमें नज़र आते हैं, अब उन इम्पैक्ट्स को उनके साथ 17th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के साथ तक अगर हम रिलेट करते हैं, 20th सेंचुरी को 17th सेंचुरी के साथ रिलेट करते हैं, तो जो जो इम्पैक्ट या जो जो कंट्रास्ट या जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं हिस्ट्री में, उन सब को हम क्या कहते हैं, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, या वो चीज़ें
जो हमें अलग लगती हैं, जो हमें कहते हैं कि नहीं ये वायलेंस नहीं है, क्रिएट नहीं करती, सब्जुकेशन क्रिएट नहीं करती, इस वजह से ये जो एरा है ना, ये अलग एरा है, ये उस कॉलोनियलिज्म के बाद का एरा है, ठीक है। तो उस एरा को हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म या पोस्ट कॉलोनियलिटी बोलते हैं। वीडियो यहीं तक थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा एंड कीप वॉचिंग माई चैनल ऐसा वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।